नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के गिरवरनाथ जनकल्याण धर्मा ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत माता की श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने गंगा घाट पर दुग्ध बता दें कि अभिषेक और साथ ही दीपदान भी किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया है कि उनकी ट्रस्ट के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने पीएम मोदी की माता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही दीपदान और दुग्ध अभिषेक का भी कार्यक्रम रखा गया है। ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों गरीब लोगों को कंबल वितरण के साथ ही भोजन का दान भी दिया गया है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की माता पूरे देश की माता है और उनके लिए श्रद्धांजलि देना सबका कर्तव्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के निधन से पूरा देश ही दुख व्यक्त कर रहा है। हमने भी सोचा कि माता जी के पूज्य माता जी के दीपदान का कार्यक्रम कर दूध अभिषेक कर गंगा जी में भोजन और गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया गया है। माताजी सबके पूरा देश की जब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो माताजी भी हम सभी देशवासियों की हैं। तो ये हुआ कि चलो थोड़ा सा माताजी के उस पर शोक व्यक्त करने का ये भी एक वो था कि गंगा जी में दीपदान करके और दूध अभिषेक करके। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और गंगा घाट की यह तस्वीर जहां पर बता दें कि इस दौरान दुग्ध अभिषेक और दीपदान करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग नजर आए हैं। इस दौरान उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता है पूरे देश की माता है और इस दौरान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सब का कर्तव्य है। और साथ ही इस दौरान देखिए कैसे दूध का दान करते हुए और साथ ही इस दौरान गंगा घाट की ये तस्वीर जहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वही भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू कर दिया गया है जो कि आगामी 26 जनवरी से शुरू होगा। इस अभियान की तैयारी को लेकर आज कांग्रेस जिला प्रभारी नवीन जोशी कोटद्वार पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इस संबंध में बैठक की और साथ ही इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपने अपने सुझाव भी मांगे हैं। और बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिलती थी और उसी दौरान अब कांग्रेस की और एक यात्रा शुरू हुई है और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की कई अभियान की तस्वीर है जहां पर बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी नवीन जोशी कोटद्वार पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा उसकी अपार सफलता के बाद आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकालेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे को यहाँ पे कोटद्वार का जिले का प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो हमारी ये यात्रा रहेगी पूरे हमारे ब्लॉक स्तर से जो हमारे जो मतदान केंद्र है पोलिंग बूथ स्टेशन है उसको पूरे को छूते हुए निकलेगी हमारी और उसमें पूरे हम ग्राम स्तर पर ब्लॉक स्तर पर इस पर कार्यक्रम करेंगे और पद यात्राएं निकालेंगे और एक हम चार सीट भी हम लोग तैयार करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के साथ वादे किए थे कि हम यहाँ पे भ्रष्टाचार रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे और यहाँ से हम पलायन को रोकेंगे जो उन्होंने घोषणाएं करी थी उस पर हम जो आरोप पत्र तैयार करेंगे उसमें यह होगा कि उनकी घोषणा का क्या हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में रुके विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आई है जिसको लेकर उन्होंने आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कोटद्वार क्षेत्र का भ्रमण किया और साथ ही कहा कि जहां जहां कार्यों में खामियां पाई गई है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार पहुंची है और जहां उन्होंने कोटद्वार के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए जिले के सभी अधिकारियों को कोटद्वार बुलाया और इस दौरान उन विभाग के साथ बैठकर कोटद्वार के विकास पर चर्चा की गई। को जिसमें डीएम साहब, एसडीएम, सीडीओ सारे ही अफसर यहाँ पर थे और हमने आज पूरे कोटद्वार का दौरा किया है। कर्ण आश्रम से हम लोगों ने शुरू किया और किस तरह से कर्ण आश्रम को, जो कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल जगह है, किस तरह से हम उसको प्रदेश, देश और विश्व के पटल पर ला पाएं, किस तरह उसको विकसित कर पाएं, किस तरह से हम जो हमारी धरोहर है उसको पूरे भारतवर्ष में कैसे लोगों तक उसको पहुँचा पाएं, इस पर आज हम लोगों की बातचीत हुई है। आगे हम उसका
कैसे प्रोजेक्ट बनाए, किस तरह से उस पर हम काम करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने कर्णाश्रम से शुरू किया, उसके बाद हम फिर अपने सिडकुल गए, वहाँ पर किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सड़कें ठीक होनी है, एक हमारा वहाँ पर एक सेंटर पड़ा हुआ है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें। और रितु खंडूरी बता दें कि विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कोटद्वार पहुंची और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किया था, इसको लेकर उन्होंने बातचीत की, चर्चा की है और तमाम तरीके के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रही है। और बता दें कि जिस तरीके से कोटद्वार में विकास कार्यों को लेकर बता दें कि रितु खंडूरी हमेशा तत्पर नजर आती है और इस दौरान वे खुद निरीक्षण करती हुई नजर आई और विकास कार्यों को लेकर निर्देश देते हुए नजर आई है। अब बता दें कि अनादि रंजन मंडल को बीजेपी दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे के आवास पर गलभोर में अरविंद पांडे की क्षेत्र के तमाम लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान नवयुक्त बीजेपी दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन मंडल के कहा है कि मुझे दिनेशपुर बीजेपी मंडल की कमान दूसरी बार मिली है। उन्होंने कहा है कि सहकारी समिति के चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव उनकी नजर है, हर हाल में दोनों संस्थाओं में बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी जीत के साथ ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में दिनेशपुर मंडल के 100% बीजेपी की झोली में वोट डाले जाएंगे और इसका प्रयास किया जाएगा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि अनादि रंजन मंडल को पुणे दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे हैं और साथ ही यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही है। साथ ही कहा है कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। जोशीमठ दौरे के बाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर पहुंचे थे और यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। विशेष बता दें कि जोशीमठ की जाँच कर विशेषज्ञ जो है वो जोशीमठ की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच के आधार पर ही बताएंगे कि वहां किस प्रकार की मदद की जा रही है। साथ ही जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं, इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं और जो लोग वहां के स्थायी निवासी है, वहां रहना चाहते हैं या फिर वहां अपना बिजनेस करने गए थे, उनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट को लेकर सभी लोगों के बारे में सरकार सोच रही है। और जोशीमठ की जो तस्वीर है उसके बाद से यहाँ पर बता दें कि सरकार जो है तमाम तरीके के कदम उठाती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद से बता दें कि यहाँ पर जो पीड़ित है उसको लेकर सरकार जो है तमाम तरीके की योजनाएं करके और वहाँ के जोशीमठ को किस तरीके से आगे भी सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इस दौरान बता दें कि बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर पहुँचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने बता दें कि जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही और कहा कि सरकार प्रभावितों को वन टाइम सेटलमेंट के विचार कर रही है। जोशीमठ दौरे के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर पहुंचे हुए थे और यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक की उन्होंने और मुलाकात करने के बाद इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की, जहाँ उन्होंने इन तमाम बातों को रखा है। हरिद्वार स्थित मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा पहली बार टूरबीन के जरिए बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया है। मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ
न्यूरो और साथ ही स्पाइन सर्जन डॉक्टर सलील महाजन ने यह ऑपरेशन किया है। मेट्रो अस्पताल में प्रेसवार्ता कर उन्होंने बताया है कि कुछ ही दिन पहले उनके पास एक महिला सरदर्द और आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत लेकर आई थी और महिला की जांच की गई तो पता चला कि उसके दिमाग में प्रीट्यूमर ग्रंथि में एक ट्यूमर है जो कि उनके आंखों की रोशनी कम करता जा रहा है। आगे चलकर महिला के सामने कोई बड़ी समस्या ना पैदा हो, इसको लेकर उन्होंने महिला का ऑपरेशन करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने साथी के डॉक्टर के साथ बता दें कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर उसके ट्यूमर को बाहर निकाला और इस ऑपरेशन में उन्हें करीब 4 घंटे का समय लग गया। अब वो महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है। डॉक्टर समीर ने यह भी बताया है कि 1 लाख लोगों को करीब 1 से 6 लोगों को पिट्यूटरी ग्रंथि में बता दें कि ट्यूमर होने की बीमारी होती है, लेकिन अब हरिद्वार में लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड धारक या फिर बहुत से कम खर्च में वो इसका सफल इलाज कर सकते हैं। रुड़की अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी भागने की 1 घंटे के भीतर ही लश्कर जीआरपी ने पकड़ लिया है। उसकी गिरफ्तारी में खुद कैदी के दुर्भाग्य भी है, जहां बता दें कि कैदी ट्रेन में जिस डब्बे में था उसके टॉयलेट में पानी नहीं था। कैदी डब्बा बदलने के लिए जैसे ही उतरा वैसे ही जीआरपी ने उसे दबोच लिया। बहरहाल बता दें कि बरेली बाराबंकी थाने के संजय नगर निवासी उन्हें बता दें कि इस दौरान संजय नगर निवासी नन्हे उर्फ चिकना पुत्र बिरसराम सिंह किसी मामले में जेल में था। वही हर्निया की शिकायत पर उन्हें ऑपरेशन के लिए रुड़की अस्पताल में भर्ती था और वहां कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार होने की सूचना मिलते ही 1 घंटे बाद ही लश्कर जीआरपी ने लश्कर रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया है। जोशीमठ में आपदा पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग पहुंचकर बहुगुणा नगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही पीड़ित लोगों से मुलाकात की है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि कर्णप्रयाग की आपदा की जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की ठीक से मदद नहीं की जा रही है। वर्ष 2021 से कर्णप्रयाग नगर पालिका का बहुगुणा नगर में भूधसाव के 50 से अधिक भवनों को दरारे आने से लोग खतरे में है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ की आपदा से कम है, प्रदेश सरकार पीड़ितों की ठीक से मदद नहीं कर रही है और आपदा से लोग परेशान हैं, भवनों में दरारें आ गई है, लेकिन सरकारी तौर पर किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। एक कमरे के भीतर ही कई कई सदस्य को रहना पड़ता है और उन्हें खाने पीने में भी काफी समस्या हो रही है। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपदा पीड़ित परेशान है लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कैंपटी में बता दें कि DLF फाउंडेशन द्वारा स्कूली बच्चों को गर्म बता दें कि ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ने बता दें कि DLF फाउंडेशन के का धन्यवाद करते हुए कहा है कि DLF फाउंडेशन लगातार पूरे उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का लगातार काम कर रही है। वहीं DLF फाउंडेशन के जनरल मैनेजर कर्नल AK थापा ने कहा है कि DLF फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड में इस तरह का कार्यक्रम करते आया है और आज भी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कैंपटी में यहां के प्रधानाचार्य द्वारा DLF फाउंडेशन के आवेदन किया गया था। यहां के बच्चों को गर्म ट्रैक सूट वितरण किए गए हैं, जिसे लेकर आज DLF फाउंडेशन द्वारा यहां के 380 बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर कोई और ट्रैक सूट की कमी पड़ती है तो यहां कोई अन्य कार्य स्कूल में करवाने को तो उनके लिए भी DLF फाउंडेशन लगातार तैयार रहेगा।
बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बनने के बाद से मसूरी आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुके, माला और साथ ही शॉल पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। वही व्यापार संघ ने उनका ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ स्वागत करते नजर आए हैं। इस मौके पर राकेश रावत ने राष्ट्र प्रदेश नेतृत्व मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल सहित बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता पिछले मंडल के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को साथ लेकर चलेंगे और आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर कार्य किया जाएगा। आने वाले 8 महीने में बीजेपी मसूरी मंडल नए मुकाम को छुएगी और साथ ही इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने नए मंडल अध्यक्ष राकेश रावत को बधाई दी है और कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी और जो भी सहयोग मांगा जाएगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से शॉल ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। और बता दें कि मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के बनने के बाद उनके पहली बार मसूरी आगमन हुआ था, जिसके बाद से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही इस दौरान बता दें कि व्यापार संघ ने देखिए किस तरीके से आतिशबाजी और ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत किया है। इस मौके पर राकेश रावत ने राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व मंत्री गणेश जोशी और मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अब खबर सितारगंज से है, जहां क्षेत्र में हाई कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ प्रतिबंधित पॉलीथीन की फैक्ट्री संचालित हो रही है। संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापा मार कर कई हजार क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन कच्चा माल मशीनें बरामद कर ली है। अधिकारियों ने फैक्ट्री की सील कर दिया है, जिसके बाद से एनजीटी प्रदूषण विभाग का आपको बता दें कि आदेशों के खिलाफ खोली गई फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। छापेमारी के दौरान संचालन घबराकर जमीन में गिर गया और साथ ही अदालत ने सिंगल यूज पॉलीथीन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है। वही बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी पॉलीथीन के खिलाफ निरंतर अभियान भी चला रहे हैं। इसके बाद भी नगर में पॉलीथीन का दुरुपयोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद से प्रशासनिक अफसरों को क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन उत्पाद की सूचना मिली थी, जिसके बाद से इस दौरान तमाम SDM तहसीलदार मौके पर पहुंचे और इस दौरान छापेमारी की गई। लश्कर कोतवाली पुलिस टीम ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 6 बदमाशों को कब्जे से 3 देशी तमंचे, चाकू और कई जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। हरिद्वार के SSP अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि विगत दिनों लश्कर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों के खुलासे के लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया। बीते रात होंडा सिटी कार में सवार 6 बदमाश हथियार से लैस होकर लश्कर स्थित एक सोलन प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन लश्कर कोतवाली को तैनात सिपाही पंचम और होमगार्ड दीपक ने उन्हें भाप लिया, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों ने दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। और इस दौरान बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को घेराबंदी कर दबोचा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने लश्कर क्षेत्र में चोरी के 6 वारदातों और साथ ही भगवानपुर क्षेत्र में एक कार लूट की वारदात को अंजाम देने का स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी और लूट का सामान बरामद हुआ है। SSP ने बताया है कि इनसे पहले भी आरोपियों सोलर प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। उससे पहले भी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े थे। वही SSP अजय सिंह ने बताया है कि इस गैंग में अन्य कई और बदमाश भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा कोटद्वार में 2 दिवसीय कैप्सूल कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बता दें कि राज्य में कई स्टील कारोबारियों ने प्रतिबंधित किया है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा समय समय पर स्टील की गुणवत्ता को लेकर स्टील कारोबारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके लेकर कारोबारी स्टील गुणवत्ता को मानकों को जान सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं। उत्तरकाशी में मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सटीक निकला है। बता दें कि निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बता दें कि ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मां गंगे का मायका
मुखवा और हर्षिल वैली में जमकर बर्फबारी हुई है। लगभग बर्फ बता दें कि यहाँ 1 फीट तक पड़ चुकी है और बर्फ़ का सिलसिला लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और बता दें कि ज़मीनी स्तर पर बारिश का दौर लगातार जारी है और जो पहाड़ी इलाकों है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस मामले को लेकर अनुमान लगाया था कि ऐसी बर्फबारी की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद से उत्तरकाशी की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बर्फबारी हो रही है और निचले हिस्सों में ज़बरदस्त तरीके से बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।